फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिक्की आदिज क्लासेस। मैंने पास्ट इंडेफिनिट में वीडियो नहीं बनाया था, तो इस वीडियो में आप पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स और एग्जांपल्स देखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से होते हैं कि वो पास्ट में लास्ट में ख़त्म होंगे, आ ई ऊ ए इस तरह की मात्रा से। और जो है रूल्स इसके हैं कि इसमें सेकेंड फॉर्म लगेगी वर्ब की। कोई भी आपका प्रोनाउन हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, सबके साथ हमें, या किसी का हो, जैसा मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, नेम किसी का भी हो सकता है, माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आइए एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में जो रूल्स हैं, सब्जेक्ट हैं, वी की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो इसके एग्जाम्पल हैं, द मॉब डिस्पर्स्ड इन द स्ट्रीट, भीड़ तितर बितर हो गई गली में। गली में जो भीड़ थी वो क्या हो गई, तितर बितर हो गई, यानी कि स्कैटर हो गई, फैल गई एक वाइड एरिया में। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया चोर को। सारी सेकेंड फॉर्म है सब्जेक्ट के बाद। द बॉय थ्रू द स्टोन एट हिम, लड़के ने फेंक दिया पत्थर उसके ऊपर। थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू, सब सेकेंड फॉर्म लगानी है। द बियर डांस्ड, भालू ने डांस किया। स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट, अपने पैरों पर खड़े होकर। इन द स्ट्रीट, गली में, यानी भालू ने नाच दिखाया गली में, दोनों पैरों पर खड़े होकर। ट्रेन लेफ्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, ट्रेन सुबह सवेरे ही निकल गई। लीव का मतलब लेफ्ट होता है, सेकेंड फॉर्म निकलना, चले जाना। द फ्लावर्स ब्लूम्ड, फूल खिल उठे। इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में। निगेटिव के एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर डिड नॉट लगेगा क्योंकि निगेटिव है, तो डिड के ही साथ लगाना है, और वी की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। फिर याद रहिएगा कि आपको डिड नॉट के साथ निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इसके पहले आपने सेकंड लगाया था अफर्मेटिव में। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। ही डिड नॉट कम्प्लीट हिज प्रोजेक्ट, उसने अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं किया, पूरा नहीं किया। यू डिड नॉट ब्लो द व्हिसल, तुमने सीटी नहीं बजाई। ब्लो मतलब बजाना। द ट्रेन ड्राइवर डिड नॉट स्टार्ट द इंजन, ट्रेन के ड्राइवर ने इंजन नहीं चालू किया। ही डिड नॉट रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम, वो मंजिल पर समय से नहीं पहुंच पाया। द गर्ल डिड नॉट कैरी स्कूल बैग, बच्ची आज स्कूल बैग नहीं लेकर गई। आइए इंटरोगेटिव देखते हैं। इसमें निगेटिव भी देख लेंगे अगर नेसेसरी होगा लगाना, और क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ भी हम डिड के भी यूज़ देख लेंगे। इंटरोगेटिव में कुछ क्वेश्चन वर्ड के भी होते हैं, कुछ डिड से बनते हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसा कि मैंने सारे टेंस में अभी तक बताया है कि वाई, वेयर, होम, व्हाट, ये सारे चीज़ें डब्ल्यू एच के क्वेश्चन क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, और डिड से सिर्फ एस और नो वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। डिड यू फाइंड योर न्यू जॉब इन लंदन, क्या तुमने लंदन में अपनी नई जॉब को खोज लिया है, पा लिए हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। डिड यू गो टू वॉच दैट फिल्म इन थिएटर, क्या तुमने वो मूवी थिएटर में देखने गए थे। डिड यू गो टू दैट सेमिनार, क्या तुम उस सेमिनार में गए थे। डिड यू नॉट फील क्वाइट कम्फर्टेबल एट दैट, क्या वह उस जगह पर अत्यंत कम्फर्टेबल नहीं थी या नहीं था। क्वाइट कम्फर्टेबल मतलब बिल्कुल आरामदायक होना। Why did you not travel in aeroplane yesterday? क्या क्यों तुमने कल एरोप्लेन से यात्रा नहीं की। यहाँ पर did not, आप इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियोज़ में पास्ट कंटिन्यूस को लेकर, उसके रूल्स देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, देखते रहिए मेरे वीडियोज़, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।